नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ही आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23rd एंड 24th ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। और मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में हम ना केवल न्यूज पढ़ेंगे बल्कि उस न्यूज से कैसे आपके रिलेटेड MCQs बन सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो श्री अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लॉन्चेस सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। तो ये है आप लोग का PTP, ठीक है, PTP NER। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, PTP NER की, जो कि आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, श्री अर्जुन मुंडा। हम देखते हैं इसकी न्यूज क्या है पूरी। तो अर्जुन मुंडा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कौन है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने यहाँ पर एक मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट लेकर आई आए हैं। ये स्कीम है आपकी मणिपुर की, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, PTP NER, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये बेसिकली बेनिफिट करेगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, जो है जहाँ पर प्रोक्योरमेंट्स, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग एफिशिएंसीज, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उनको एनहेंस किया जाएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी वहां पर क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल इन द 8 states, अभी के लिए सिर्फ 8 states में एप्लीकेबल रहेगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है। तो ये 8 state है जहां पर अभी के लिए ये जो स्कीम है वो वैलिड रहेगी। और इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट प्लान करेगा कि किस तरीके से ट्राइबल आर्टिसंस को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइबल आर्टिसंस है उनको ट्राइबल आर्टिसन मेला के द्वारा बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने टैलेंट वहाँ पर शोकेस कर सके। दोस्तों, जो हमारा, आपको पता ही, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो काफी पिछड़ा हुआ रह गया, ठीक है। अगर मैं अदर वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो थोड़ा कम उस पर, लेकिन वहाँ का जो लोगों का टैलेंट है वो अनलिमिटेड है, राइट। और वहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, इट्स ऑलमोस्ट कैन नॉट डिफाइन इन द वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब डेवलपमेंट किया जा रहा है ईस्ट इंडिया के साइड भी, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी सारे कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और वो इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पर धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वॉट डज PTP NER स्टैंड फॉर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स नॉर्दर्न ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की, जो कि GI टैग के ऊपर यहाँ पर है। तो तमिलनाडु कम्बम ग्रेप्स, ठीक है, कम्बम ग्रेप्स मतलब यहाँ पर एक वैरायटी ऑफ ग्रेप्स आई है, ठीक है, अंगूर की एक बेसिकली वैरायटी है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेमस कम्बम पनीर तार्थिचाई और कम्बम ग्रेप्स तमिलनाडु हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड एज GI टैग। द कम्बम वैली ऑफ तमिलनाडु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया एंड इज नोन फॉर कल्टिवेटिंग द पनीर तर्चाई और मस्कट हैम्बर्ग वैरायटी। तो अपने अपने नाम है, आपको ध्यान रखना है क्या, कम्बम ग्रेप्स, बस इतना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कम्बम ग्रेप्स ध्यान रखना और तमिलनाडु का GI टैग मिला है इसे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विच फ्रूट फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड द GI टैग, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ की ग्रेप्स, और इन ग्रेप्स की वैरायटी का नाम क्या है आपका, कमगम, ठीक है, कमगम ग्रेप्स। चलिए आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, जो सेंटर है, ठीक है, यूनियन जो आप लोगों का गवर्नमेंट है, सेंटर है, वहां पर 8 projects यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं ऑफ अबाउट 638 crores अंडर नमामि गंगे, राइट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, टू क्लीन द गंगा रिवर, राइट, तो बहुत इजीली है ये। और इसके अंडर 8 नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है नमामि गंगे के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, चेयर्ड बाय डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार, अप्रूव द 8 projects विद अप्रोक्सीमेटली ऑफ 638 crores। ओवर हेयर द फोकस ऑफ दीज प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इन द रिवर, राइट, एंड ऑल्सो एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हिंडन, और हिंडन जिसका नाम है, जो ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। तो हिंडन रिजुविनेशन प्लान है प्रोजेक्ट, करीबन 700+ crore रुपए का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर यमुना के अंदर जो यहाँ पर गंदगी है उसे कम से कम हो, जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो यहाँ पर कम से कम दिखने लगे, ठीक है, इवन कृष्णी रिवर भी। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स की ट्रिब्यूटरी आपस में मिलकर नाम अलग अलग चेंज हो जाते हैं हर स्टेट में इसके, जैसे गंगा को वेस्ट बंगाल में हुगली बोला जाता है, वहीं ढाका में इसका नाम अलग हो जाता है,
ठीक है, तो वहां जाकर बेसिकली उन रिवर्स को क्लीन रखना सिंपल बात है। उसके लिए 8 प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं करीबन 638 करोड़ के। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि व्हाट इज नमामि गंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू क्लीन एंड रिजुविनेट द गंगा रिवर, राइट। वैसे बहुत पुरानी स्कीम है, डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता ही होगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 4 एक अवार्ड एंड ऑनर्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाएगा आपको। उत्सव पटनायक सिलेक्टेड फॉर मैल्कॉम ए अवार्ड 2023, राइट। तो उत्सव पटनायक जिनकी फोटो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट है ये, इवन नेशनल और इंटरनेशनल क्लेम किया गया इन्हें, और इन्हें प्रेस्टिजियस मैल्कॉम ए अवार्ड दिया जाएगा। और ये एक ट्रस्ट और आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट्स का रिकॉर्ड होता है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन द नेशनल लेवल जूरी फ्रॉम द नॉमिनेशंस रिसीव। यहाँ पर इस अवार्ड में साइटेशन दी जाती है और कैश प्राइज रहता है 2 लाख रुपए का। और साथ ही साथ ये जो सेरेमनी है वो चेन्नई में हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि ये अवार्ड जो है इट वॉज प्रेजेंटेड टू द इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक, ओके। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2022 में प्रभात पटनायक जी को मिला था, 2023 में उत्सव पटनायक जी को मिला है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या प्राइज होल्ड करता है ये भी थोड़ा सा जान के रखना, और अवार्ड का नाम याद रखना है ना अपना, मैल्कॉम ए अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया उत्सव पटनायक जी को। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। सचिन तेंदुलकर जी दिख गए हैं, तो मतलब स्पोर्ट्स पे यहाँ पर निकल कर हमारा क्वेश्चन आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सचिन तेंदुलकर एट द रेट 50, ठीक है, तो देखो क्या है ये, तो बोरिया मजूमदार रेनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन पॉपुलर टीवी शो होस्ट अनवील्ड अ न्यू बुक कॉल्ड सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्टीरियो, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली एक बुक लॉन्च हुई है, किस द्वारा, यहाँ पर ये बुक लॉन्च की गई है आपकी बोरिया मजूमदार जी के द्वारा, ठीक है, और इन्होंने ये बुक यहाँ पर लॉन्च की है जो कि एक बहुत जाने माने होस्ट है पॉपुलर टीवी शो के। On the occasion of legendary cricketer Sachin Tendulkar's 50th birthday, the book has been conceptually designed and curated by Majumdar, which is special back cover note written by Gulzar. ठीक है, तो it will officially released on Tendulkar's 50th birthday, which falls on April 24, and the book covers Tendulkar's journey to success, starting from the teenage debut where he became globally recognized after his bloodied nose incident in Pakistan in 1989, right? तो यहाँ पर ये बुक लेजेंड के बर्थडे के दिन, मतलब आज के दिन यहाँ पर क्या हो गई है, ये अनवेल हो गई है। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट बैक कवर नोट है ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, गुलजार साहब से लिखा गया है ये। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मिस्टीरियो, तो करेक्ट हो जाएगा आपका बोरिया मजूमदार, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि स्कीम, ठीक है, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, रूरल वुमेन जो होती है, गांव की महिलाएं जो होती है, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए यहाँ पर ये लॉन्च की गई है स्कीम। तो देख लेते हैं संगठन से समृद्धि, सबसे पहले तो आप इसका नाम याद रखेंगे। ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी के द्वारा with the aim of empowering marginalized rural households, the campaign seeks to achieve the objective by ensuring that all the eligible rural women are included in the SHG groups. And also over here, this event is launched for the minister states that government goals to expand the coverage of SHGs to include 10 crore women up from current 9 crores, right? So yahan par jo scheme hai, is scheme ka naam ek to pehle dhyan rakhna padega. दूसरी बात कि ये किसके द्वारा, कौन से मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये गिरिराज सिंह जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी गांव के महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंक्लूड है उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग मार्जिनलाइज रूरल वुमेन इन टू द एस एच जी नेटवर्क, तो करेक्ट हो जाएगा संगठन से समृद्धि। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, अपॉइंटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये करंट अफेयर्स का। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉइंट डॉक्टर रणधीर ठाकुर एज सीईओ एंड एमडी, ठीक है, क्या है ये, तो टाटा ग्रुप ने अपॉइंट किया है डॉक्टर रणधीर ठाकुर जी को एज अ सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TEPL, and the group has withdrawn a strategy to strengthen its semiconductor manufacturing capabilities in an attempt to gain an edge over rivals in the country's thriving precision mechanicking businesses, right? तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर डॉक्टर रणधीर ठाकुर जी को CEMD बनाया गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। सिंपल बात आपको ध्यान रखनी, सिंपल
हालांकि कोई यहाँ पर इनका टेन्योर वेन्योर नहीं दिया हुआ कि कितने दिन से कितने दिन तक ये जॉब यहाँ पर इसे सर्व करेंगे, बट आपको इनका नाम यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एमडी ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो करेक्ट हो जाएगा रणधीर ठाकुर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, तो काफी यहाँ पर दुखद खबर है ना। आपको आला रमेश जी के बारे में जरूर पता होगा, बहुत जाने माने एक्टर है, तेलुगु एक्टर, इनकी देहांत हो चुका है इनके खुद के घर विशाखापट्टनम में ड्यू टू हार्ट अटैक, राइट। एंड ही ऑल्सो मेड इज डेब्यू इन टॉलीवुड विद द तरुण चिरंजीलू इन स्टार्टेड ऑलमोस्ट 50 फिल्म्स, राइट। ऑल्सो ही एक्टेड इन द मूवीज लाइक नेपोलियन, ठीक है, मधुरा वाइन्स और रावणा दिसम। 2 decades लॉन्ग करियर था इनका, 20 सालों का करियर इनका चला, काफी जाने माने थे, और बिग स्क्रीन पर ये बहुत इतना इम्पैक्ट, पावरफुल इम्पैक्ट रखते थे, राइट। तो इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है, डिमाइस है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आला रमेश हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा, ये एक्टर थे, तेलुगु एक्टर, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर चाइना को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में, हालांकि सेंसिस अभी तक हुए नहीं है, 2025 में होने की बात है, बट रिपोर्ट्स कहती है इंडिया हैज ऑलरेडी सरपास चाइना टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन विद 142.86 करोड़ पीपल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनियन नेशंस डेटा। चाइना हैज नाउ द पॉपुलेशन ऑफ 142.57 करोड़, बिकमिंग द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अकॉर्डिंग टू द UNFPA रिपोर्ट, 25% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 years, 18% टू 9 to 10 to 19 एज ग्रुप, दैट इज टीन एज, 26% इज द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 24 ऑफ ईयर्स, एंड ओवर हेयर 68% विद 15 to 64 years ऑफ एज, 7% अबाउट 65। एज पर एक्सपर्ट्स केरला एंड पंजाब हैव एन एजिंग पॉपुलेशन, वाइल उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव अ यंग पॉपुलेशन। Several studies carried out by different agencies have shown that India's population is expected to increase for nearly 3 decades before it peaks to 165 crores. It will then starts to decline as per reports, right? तो यहाँ पर करीब करीब अभी तो 142 ही चल रहा है, approximately 165 करोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर कहीं गिरेगी हमारी population। तो अभी तो बड़ा लंबा समय है, 20 साल और लगेंगे मुझे लगता है ऐसा करने, है ना, 20 साल के 30 साल बता रहे हैं तो अपने रिपोर्ट में, खैर 20-30 साल और बढ़ेंगे, अभी पॉपुलेशन काफी बढ़ेगी आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी सबसे ज्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कई पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर चाइना को हमने सरपास कर दिया अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली सरपास चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा प्यारा प्यारा भारत इंडिया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा न्यूज रहेगा आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, थर्सडे इज अ चाइनीज लैंग्वेज डे, ठीक है, ये क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर बात की जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स लैंग्वेज डे टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एनकरेज द यूज ऑफ ऑल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 6th of 24 सोलर टर्म्स कॉल्ड गुयू, which is usually falls on April 20th in the Georgian calendar, right? तो यहाँ पर क्या है इसका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थीम नहीं दी गई है तो थीम आपको याद नहीं करनी, कोई ऐसा मोटो नहीं दिया गया है तो वो याद नहीं करना है, कोई ऐसा एडिशन नहीं दिया गया तो वो भी याद नहीं करना है, आपको याद करना है इसका डेट डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको 2023 में 20 अप्रैल को, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। सबसे बड़ी बात कि इसमें थोड़ा सा काम हमारा शॉर्ट हो गया, थीम वगैरह हमको याद नहीं करनी है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा top 10 करेंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग डेली हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर होम सेक्शन पर आप लोग मंडे टू सैटरडे हमारे करेंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सुबह 6 बजे हमारे सारे करेंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे आपको, हर एक शॉर्ट्स आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए रहता है दोस्तों, अपडेट करने के लिए रहता है आपको बहुत जल्द और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, ताकि आपका टाइम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इम्पोर्टेंटली और बिल्कुल मिनिमिस्टिकली क्या हो, यूटिलाइज हो अच्छी चीज़ों में, है ना। लाइव कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस किए जाएंगे हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के द्वारा, हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज के द्वारा, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको आपके मनचाहे सब्जेक्ट की वीडियोस या फिर मनचाहे जो एग्जाम आप प्रिपेयर करना चाहते हो उनकी वीडियोस मिलेगी,
साथ ही साथ दोस्तों कम्युनिटी बेस पर जाकर आप हमारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप कहीं पीछे रह जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले वीडियो में डालू, नोटिफिकेशन आपकी फोन स्क्रीन पर आ जानी चाहिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको हमारी प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। 1 month की और 12 month की प्राइम मेंबरशिप रहेगी, 199 रुपये और 599 रुपये का रेकमेंडेड प्लान यहाँ पर रहेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम होने से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं सभी वीडियोज की लिंक और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए Avision Institute के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।